दोस्तों पिछले वीडियो पे मैंने आपको जो पांच वेबसाइट्स दिखाए थे डाटा एंट्री जॉब के लिए, उसमें पीपल पर आवर शामिल था। ओके, सबसे ज्यादा जो आपको डाटा एंट्री का जॉब्स मिलते हैं वो पीपल पर आवर डॉट कॉम पर ही मिलता है। तो आपके पास पीपल पर आवर का अकाउंट ना होने की वजह से आप इन्हीं सब डाटा एंट्री जॉब्स के लिए आप प्रपोजल सेंड नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको पीपल पर आवर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें एक अच्छा सा डाटा एंट्री का प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ अगर आपको डाटा एंट्री के अलावा किसी भी फील्ड पे नॉलेज है, चाहो आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, आपका फोटोशॉप पे नॉलेज है, ग्राफिक्स डिजाइन पे नॉलेज है, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो मेकिंग कर सकते हो, जो भी आपके अंदर स्किल्स है उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर अकाउंट बना के प्रोफाइल जो है सेट कर सकते हैं। ओके, पीपल पर आवर पर अकाउंट बनाने के साथ साथ मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर प्रोफाइल कैसे सेट करना है, कैसे पेमेंट मेथड सेट करना है, कैसे यहाँ पर जॉब सर्च करना है और जॉब प्रपोजल कैसे सेंड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश दास, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग मेंटर। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें। ध्यान रखें, आपको ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करना है ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें सबसे पहले। दोस्तों आप डायरेक्टली पीपल पर आवर डॉट कॉम पर आ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं पीपल पर आवर। ओके, जैसे ही आप गूगल पर पीपल पर आवर सर्च करेंगे पहला लिंक आपको पीपल पर आवर डॉट कॉम का मिल जाएगा। ओके, तो ये साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर साइन अप है, तो आपको यहाँ पर साइन अप पर जाना है आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, नया अकाउंट बनाने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर साइन अप पर जाएंगे आपको ये पहला स्क्रीन जो मिलेगा, स्टार्ट लिविंग योर वर्क ड्रीम, आयन टू हायर ए फ्रीलांसर, आयन टू वर्क एज ए फ्रीलांसर। आप एक सेलर हो, आप एक फ्रीलांसर हो, यहाँ पर आपको काम करना है, तो आपको यहाँ पर आई वॉन्ट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर पर जाना है। और यहाँ पर जो साइन अप विथ फेसबुक एंड साइन अप विथ ईमेल दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर साइन अप विथ ईमेल पर जाना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम दे देना है, आपका लास्ट नेम दे देना है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है, और पीपल पर आवर पर जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर रखना है। देने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप साइन अप पर यहाँ पर कर लेते हैं तो आपको आपका ईमेल आईडी पर एक पीपल पर आवर के तरफ से ईमेल मिल जाएगा आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए। ओके, इस तरह का आपको ईमेल मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट बाय क्लिकिंग हियर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ओके, जैसे ही आपका पीपल पर आवर का अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तब आपको आपका प्रोफाइल यहाँ पर सेट करना होता है। ओके, तो मैं लॉग इन करके अपना अकाउंट पर प्रोफाइल कैसे सेट करते हैं दिखा रहा हूं आपको। तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉग इन पर जाना होगा, ऊपर आपका ईमेल आईडी और नीचे आपका पासवर्ड देना है, और आपको ये जो रोबोट मिल रहा है आई एम नॉट ए रोबोट, ये जो कैप्चा मिल रहा है इसको आपको सॉल्व करना है टिक करके। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन जो है कर देना है। जैसे ही आपका यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो जाए तो अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा डैशबोर्ड के बाद आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर सबसे पहले आपको ये कवर फोटो जो है दे देना है। ओके, तो चेंज कवर पे जाके ये कवर फोटो यहाँ पर दे सकते हैं, और कवर फोटो जो है आप आपका फोटोशॉप पर बना सकते हैं, नहीं तो आप वो एमएस पेंट पर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर भी बना सकते हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एमएस पेंट जो है ओपन कर देना है। एमएस पेंट पर ओपन कर देने के बाद जो साइज है कवर का आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल आपको लेना है 1000 और वर्टिकल आपको लेना है 260। ओके, इस तरह ये बैनर का साइज जो है आ गया। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आपको सेट करना होता है एक। ओके, देखिए ये बैकग्राउंड सेट हो गया, बैकग्राउंड हो गया। यहाँ पर आपको आपका डाटा एंट्री का कवर जो है बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक लेटर जो है चूज करता हूँ। ओके, तो टाइपिंग सबसे पहले, और नीचे में यहाँ पर टाइप करता हूँ डाटा एंट्री 24 आवर, बस ये हो गया।
और जो वही आपका स्किल्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और ट्रांसक्रिप्शन बस हो गया, तो इस तरह आपको एक कवर लेटर जो है बनाना है, इसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये कवर पर आपको दे देना होता है। ओके, तो आपको नीचे में यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एडिट पर चलता हूँ और एडिट पर जाके मैं दिखाता हूँ। और इस तरह आप एडिट योर प्रोफाइल पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखेगी और नीचे आपको डू यू रिप्रेजेंट ए कंपनी आपको यहाँ पर नो करना है। और जॉब टाइटल के अंदर आपको जो भी आप जॉब्स करना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है जॉब टाइटल का, और एक है डिस्क्रिप्शन का। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टाइपिंग है, डेटा एंट्री है, पीडीएफ कन्वर्शन है, पीडीएफ एडिटिंग है। तो ये इस तरह से ही एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल भी है, इस तरह से ही आपको आपका जॉब टाइटल जो है देना चाहते हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको, डेटा एंट्री के अलावा जो भी आपका स्किल्स है और जिसपे आप प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल सेट करना चाहते हैं, तभी आपको यहाँ पर जॉब टाइटल पर देना है। ओके, तो यहाँ पर कवर इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, ये मेरा कवर इमेज जो है दिया हुआ है। आप इस तरह से ही कवर इमेज आप देख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बना के आपको दिखाया एमएस पेंट पर। और आपको एक प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ पर देना है, आपका प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो देने के बाद पर आवर रेट जो है आप, मेरा यहाँ पर $10 मिनिमम दिया हुआ है। आप यहाँ पर $20 या फिर $30 ही दीजिए। और आपका फोन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं राइट साइड पर। अबाउट यू के अंदर आपका स्किल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है देना है। आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट एंड फॉर $6 ओनली। ये मेरा ही डिस्क्रिप्शन है। से आपको इसको पूरा का पूरा कॉपी नहीं आपको करना है, इसका कॉपी आपको बनाना नहीं है। तो इस तरह इसी टाइप का ही आपको बनाना है। आई एम अन एक्सपीरियंस डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्किंग इन दिस फील्ड वे अबाउट 5 ईयर्स। आई कैन डू योर गिवन टास्क विद इन द टाइम लिमिट विथ 100% एक्यूरेसी एंड परफेक्शन, ऑल दिस इन 24 आवर्स। तो इस जैसा मैंने लिखा है। और माई सर्विसेज लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू एक्सेल, ई कॉमर्स डाटा एंट्री, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कॉपी पेस्टिंग डाटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इस तरह से ही मैंने जो लिखा है आप इस जैसे ही लिखना है, ना कि आपको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो इस तरह से आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है। देने के बाद आपको योर प्रोफाइल स्किल्स के अंदर आपको यहाँ पर देना होता है जो जो काम आप यहाँ पर करना चाहते हैं। ओके, तो कैसे देना है देखिए, मैं यहाँ पर जो दिया है डाटा एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इमेज एडिटिंग है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट पोस्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीडीएफ कन्वर्सन। तो मैं यहाँ पर और एक भी देख कर दिखाता हूँ, पीडीएफ टू। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं नीचे आपको मिल जाएगा पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू PSD टू HTML। तो ये सब मिल गया, मैं यहाँ पर PDF टू वर्ड जो है करता हूँ। देखिए ये हो गया। तो यहाँ पर लैंग्वेज स्किल के अंदर इंग्लिश यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, हिंदी भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका लैंग्वेज आता है यहाँ पर आप दे सकते हैं। ओके, तो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के अंदर आप चाहे दे सकते हो, नहीं तो चाहे तो नहीं भी दे सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर आप यहाँ पर जो जो काम क्या है आपका, जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट है, जो भी आप काम पहले से किए हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आपको पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर अपलोड करना होता है। फिलहाल ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है अपलोड कर देना ये बेटर रहेगा। तो आपका लोकेशन जो है यहाँ पर सेट करना है। लोकेशन के बाद आपको नोटिफाई मी अबाउट रिमोट वर्क ओनली, रिमोट आज वेल आज ऑन साइट वर्क। तो यहाँ पर आपको सेट करना है रिमोट वर्क ओनली, तो ये यहाँ पर आपको डन कर देना है। ओके, जैसे ही आप डन कर दें यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा, योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। और आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर जाके फिर भी आप अपडेट कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपका प्रोफाइल जो है आप सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं जॉब पाने के लिए। ओके, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप आपका पेमेंट मेथड कैसे सेट कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो आपका प्रोफाइल पर जाना है और नीचे आप यहाँ पर आपका पेमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, उस पेमेंट्स पर आपको जाना है। पेमेंट मेथड पर जाने से पहले आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर देना है। ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर सेट करना होता है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई भी एक आप यहाँ पर सेट जो है कर सकते हैं। नेम ऑफ योर फर्स्ट एम्प्लॉयर, नेम ऑफ बेस्ट फ्रेंड, होम टाउन, नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल। ओके, यहाँ पर आपको सेट करना है और आपको यहाँ पर आपका आंसर भी देना है। ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होता है। पेमेंट्स के पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हो आपका करेंसी और कितना अवेलेबल बैलेंस है। ओके,
तो जीबीपी आपका कितना, यूरो आपका यूएसडी कितना है, और यहाँ पर विड्रो फंड पे जाकर फंड यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। और उससे पहले आपका अगर सबको सब यूएसडी लेना है तो यहाँ पर कन्वर्ट फंड्स के अंदर जाकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सर्विसेज फीस लगता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, पेमेंट मेथड पर जाना है आपका, पेमेंट मेथड यहाँ पर सेट करने के लिए। पेमेंट मेथड पर आप यहाँ पर दो पेमेंट प्रोसेसर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पेपाल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और पेनर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जॉब सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च पर जाना है, और सर्च पर आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले सर्च ऑफर है, उसके बाद सर्च फ्रीलांसर, और उसके बाद जो है सर्च प्रोजेक्ट है। ओके, आपको यहाँ पर सर्च प्रोजेक्ट पर जाना है। आप इसी तरह सर्च पेज पर आ जाएगा, सर्च प्रोजेक्ट पेज पे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है अगर आप डाटा एंट्री जॉब करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री जॉब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर सर्च कर देना होता है। जैसे आप सर्च करोगे ये डाटा एंट्री से रिलेटेड काम जो है आपको दिखेगा, और देखिए ये 13 घंटे पहले ही यहाँ पर जॉब पोस्ट हुआ है डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट का, और ये जो है $16 पर आवर का। ओके, तो नीचे आपको वर्डप्रेस डाटा एंट्री मिल रहा है, 1 डे एगो कल ही ये पोस्ट हुआ है, और $22 ये फिक्स प्राइस है। यहाँ पर आपको दो टाइप का पेमेंट मिलता है, एक होता है फिक्स प्राइस और एक होता है पर आवर बेसिस प्राइस। ओके, तो यहाँ पर एक्सेल टेम्पलेट डाटा एंट्री यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर लीड जनरेशन का काम भी नीचे आपको यहाँ पर मिल रहा है, $11 है फिक्स प्राइस, और यहाँ पर डाटा एंट्री का और भी काम यहाँ पर मिल रहा है $180 प्राइस से है। ओके, आई नीड ए डाटा एंट्री पर्सन विद स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, ये $10 फिक्स प्राइस है। इसी तरह वन बाय वन आप 2 पेज 3 पेज 4 पेज ये सभी पेज पे जाके यहाँ पर अप्लाई जो है प्रपोजल जो है सेंड कर सकते हैं। तो प्रपोजल सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंड प्रपोजल पर जाना है। ये जो काम है डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट का, यहाँ पर आप पर आवर का रेट दे सकते हैं, $16 पर आवर ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर टोटल डिसीजन आप देखना है, डिसीजन अच्छी तरह से आपको पढ़ना है क्लाइंट ने क्या यहाँ पर दिया है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर प्रपोजल जो है सेंड करना होता है। ओके, तो डिसीजन पढ़ने के बाद आपको नीचे आपका अमाउंट देना है, अमाउंट देने के बाद आपको प्रपोजल जो है सेंड करना होता है। दोस्तों इसी तरह से ही आप पीपल पर आवर पर अकाउंट बना सकते हैं, आपका प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं, और जॉब प्रपोजल जो है सेंड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको आज का इस वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें जरूर हमारे चैनल, और इसी तरह सपोर्ट बना रखें हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।